18 साल के बच्चों की जो बात हो रही है किशोरावस्था होती है, एक परिपक्व और एक बचपने की बीच की कड़ी होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहे होते हैं। लेकिन क्या 15 से 18 साल के बच्चे खुद मेंटली अपने आप को तैयार कर पाएंगे वैक्सीन के लिए, क्योंकि एक छोटे से इंजेक्शन के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे में बात जब वैक्सीन की आती है, जो आपकी सुरक्षा की आती है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने की जब बात आती है, तो क्या बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कल संबोधन में साफ कहा कि किसी भी भ्रामक खबरों से जो है वो दूर रहे और लगा जो वैक्सीनेशन होगा 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने अगर अपील की है तो लोगों को, अभिभावकों को, बच्चों को और जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे जो है परिपक्व होते हैं और अच्छे तरीके से अपना अच्छा और बुरा समझते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। और कहीं अगर एक दो जगह अगर कोई दिक्कत अगर आती भी है तो उनके अभिभावक उनको प्रमोट करेंगे वैक्सीनेशन के लिए और लगातार डॉक्टर की टीम उनको प्रमोट करेगी वैक्सीनेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा कि पिछले जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो लगातार कई सारी अफवाहें सामने आ रही थी और लगातार लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन से, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम ऐसी कार्यशैली थी वो तैयार किया और लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं अंजलि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा 15 से 18 साल के बच्चे पूरी तरीके से परिपक्व होते हैं और एक दो भ्रामक चीजें अगर सामने आएंगी तो उनके अभिभावक जरूर है और देश के प्रधानमंत्री ने साफ अपील की है कि जो वैक्सीन लेकर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और लोगों को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अंजलि और